आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नमन किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्र देश को आजादी दिलवाने के लिए उनके त्याग को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। बता दें, नेताजी के जन्मदिन को इस साल भारत सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने भी नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उनको सादर नमन। उनके अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान देने वाले नेताजी हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रनायकों में से एक हैं। उनकी देशभक्ति और बलिदान में हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने आजादी की भावना पर बहुत बल दिया और इसे मजबूत बनाने के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, संपूर्ण राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र के पराक्रम और उनके संघर्ष के लिए सदैव ऋणी है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर मोदी जी ने उन्हें एक अभूतपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। समस्त देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। नेताजी जैसे महानायक को उनके जन्मदिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं।